सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हुई। तो भाई बसराना पहुंच चुका हूं मैं, और यहां हमें हो चुके हैं 3 या 3.5 घंटे हो गए हैं, क्योंकि हम 1 बजे के टाइम पहुंच गए थे यहां पर, या 12:30 बजे के टाइम पहुंच गए थे। तो 12:30 बजे से अभी 3:30 या 4 बजने वाले हैं, और मंगल कार्य जो होता है वो होता है 5:30 बजे के टाइम, जो मंदिर है वो ओपन होता है 8:30 बजे के टाइम। तो अभी हम वेट कर रहे हैं 5:30 बजने का, उसके बाद ही सोचो परिक्रमा स्टार्ट होगी। और भाई ये चीज़ तुम्हें मैंने बताई नहीं बताई, जब मैं अभी वापस आ रहे थे हम, तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम आ रहे थे ऑटो में, तो उसने बीच रास्ते में हमें छोड़ दिया था। तो भैया कुछ टाइम बाद ये हुआ कि भैया उसी की ही गाड़ी में हम गए थोड़ी देर बाद, तो जब क्योंकि बैरीगेट सारे हटे, फिर उसके बाद वो आया और बताओ उसी की गाड़ी में हम गए, और ऑलमोस्ट हमको कितने 12:30 बज गए थे, 12:30 या 1:45 बज गए थे तब उसकी गाड़ी में हम यहाँ पर आए तेरे घूमते रहे। फिर हाईवे में भी चले गए हम, और हाईवे से हम वापस आ गए यार, कि भैया थोड़ा रिस्की है, पर पास में नहीं था, बहुत दूर था। ये है कि भैया अकेली रोडों में तो भैया गलती से भी मत जाना, तो ये चीज़ का एक्सपीरियंस तो भैया मैंने ले लिया, और पूजा करेंगे उसमें जितने भी टाइम जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। A few minutes later. So भाई अभी इसका इंस्टा में बूमरैंग चल रहा है। So भाई इसी वे से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगी, जो आपको दिख रहा होगा इसी वे से जो वे जा रहा है, और इसके साइड में क्या नाला है या फिर नदी है, तो इसी के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और यार आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, यहाँ पर पैरादारी अच्छे से होती है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर है किस चीज़ का, राजस्थान का इधर की साइड और उधर की साइड यूपी का है, उसी में इन्होंने अच्छे से चेक करा है, और देखते हैं यहाँ पर कि कोई ऐसे कोई भी घुस ना जाए, तो वहाँ पर चेकिंग अच्छे से होती है। सो आपको एक चीज़ ध्यान होगा, जब हम गोवर्धन जा रहे थे तो आपने देखा था, हमने छोटी सी क्लिप आई थी, तो मैंने आपको बाद में बताया था कि गाय को मतलब उठा के लेके जा रहे थे, तो वही चीज़ ना यहाँ पर चेक करते हैं अच्छे से, और पेट्रोलिंग होती है अच्छे से, देखते हैं कि भैया किसी गाय को तो नहीं कोई उठा के लेके जा रहा, जैसे उस दिन टेम्पो में कोई लेके जा रहा था, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, और बताया भी इस बारे में कि भैया कि ऐसे जो भी करते हैं ना, तो भैया उनको हम छोड़ते नहीं हैं, अच्छे से देखते हैं, उनको पकड़ ही लेते हैं, तो यहाँ मेरे को ये चीज़ अच्छा लगा। तो अभी तो बस इंतज़ार हो ही रहा है, 4:30 होने वाले हैं। सो यार सुबह सुबह 4:45 बजे का टाइम देखो, पिकॉक की आवाज़ आ रही है, मोर की। सो भाई आपको आवाज़ आ रही होगी, देखो मोर की आवाज़ सुनो। सो थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं आगे। ठंड हो तो रही है, लग भी रही है। परिक्रमा होगी आगे से शुरू। अभी नहीं, एक चीज़ होता है कि ना, बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं ना, टांग रखा बैग, ठीक है, और तो पसीना आने लग जाएगा, तो वो एक जगह बैठा रहेगा, तो तू उसको हटाएगा तो देखिए तो कितनी ठंड लगेगी। टॉर्च ऑन रखियो वहाँ पे, जहाँ पे लाइट ना हो। अरे हाँ, तेरा 95% है ना चार्ज। चल बढ़िया, सही याद दिला दे तुम। और भैया यहाँ लेफ्ट लेके जाना है, सीधा यहाँ से कहाँ जाना है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट जाना है यहाँ से। सो भाई परिक्रमा स्टार्ट करनी है इस वाले वे से, नॉर्थ ईस्ट वाले वे। भाई यहाँ की जो खासियत है देखो, ये पूरा पहाड़ शुरू हो रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर 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 पहाड़ में जाते रहेंगे, और हमें राइट टर्न नहीं लेना, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है भाई, नंगे पैर ही करना है भैया परिक्रमा, तो ध्यान रखना, यहाँ नहीं यहाँ जाना, फिर लेना है राइट। सो भाई ये जो स्थान जितना भी है जहाँ राधा जी का जन्म हुआ था, तो देखो कैसे पूरा पहाड़ी इलाका हो रखा है इधर, यहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका हो गया है, ये देखो यहाँ से देखो, यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग है, तो लाइटिंग में आपको दिख सकती है कैसे हो रखा है यहाँ पर, और अच्छे से डिस्प्ले होगा और सही से दिखेगा आपको, जैसी लाइटिंग होने लग जाएगी धीरे धीरे, अभी तो 5:30 बज रहे हैं, 6 बजते ही दिखेगा आप सबको। और ऊपर जो लाइट चमक रही है वो मंदिर है ऊपर, ये देखो चूजों को इधर चूजे, और ये देखो ये जो वे दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, कैसे रास्ता जाएगा यहाँ से, ये देखो भाई रास्ते कैसे धड़धर होते जा रहे हैं, देखो यहाँ पर गाय भी है एक। फिर इधर भी 2 वे आएंगे, हमें जाना है इस वाले में, तो चलो इधर। सो भाई वीडियो देख के आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, अभी तो बस स्टार्ट हो रखा है,
देखते हैं अभी आगे आगे, और इतने सारे डॉगीज हैं हर गली में, दो दो तीन तीन चार चार, फिर जैसे सीधे सीधे आने के बाद फिर ऐसे दो वे एक और आ जाएंगे, तो हमें लेना है राइट। राइट है यहाँ से गए ना वो पूरे। सो अभी और चढ़ाई है क्योंकि हम अभी धीरे धीरे करके ऊपर पहुँचेंगे, और फिर यहाँ से लेना लेफ्ट, फिर दोबारा से आएंगे दो वे, एक इधर, बट जाना किधर हमको, इधर की साइड, और यहाँ से फिर ऊपर की साइड, उधर की साइड नहीं, इधर की साइड से जाना है। के बाद वहीं से मैंने लेफ्ट टर्न लेके ये वाला वे आ रहा है, इसी वे से जाना है। और अंधेरे में आए हम तो थोड़ा कम दिख रहा है, आप सबको भी कम ही दिखेगा, पर दिखेगा आप अच्छे से वीडियो देखो। फिर ही गेट से जाना लेफ्ट, इस वाले वे में नहीं जाना, इस वाले वे से जाना। सो जितना दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा आपको, बाकी बंदर भी हैं यहाँ पर, तो मेरे को केयरफुली बनानी पड़ेगी वीडियो। सो भाई यही वाला मंदिर है जो नीचे से दिख रहा था आपको, लाइट दिख रही थी यहाँ पर। सो ये भी अच्छा लगा मोमेंट तो बताना भैया कमेंट करके। परिक्रमा कर रहे हैं अभी हम, फिर यहाँ से लेफ्ट, फिर उसके बाद लेना है लेफ्ट यहाँ से, राइट से भी यहाँ से भी वे है, पर अभी जाना आपको यहाँ, यहाँ से जाना सीधा। भाई व्यू देखो यहाँ का व्यू, अभी जो अंधेरा था ना वो यही था थोड़ी देर पहले, ये चीज मैं आपको दिखा नहीं पाया था, पूरा एनवायरनमेंट। और उधर की साइड देखो पूरा का पूरा देखो भरा पड़ा, और इधर की साइड कर सकते हैं, अपना फोन यूज करना है ना तो भैया यहाँ कर लो, पर अंदर मत करो, गलती से भी नहीं, इसलिए मैं अंदर यूज नहीं कर रहा था ज्यादा, वैसे थोड़ा बहुत करा है हल्का फुल्का, इतना भी नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको व्यू ये ऐसा? ये हमारे विक्रम जी लीन हो रखे थे बहुत ज्यादा कीर्तनों में, बहुत ज्यादा लीन थे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत ही बेहतरीन आनंद का हमें भरपूर मजा मिल रहा है। मजा किस चीज का मिल रहा है? आनंद प्राप्त हो रहा है, श्रद्धा का ना, श्रद्धा जो भी आप समझे। ये तो विकास भी देरी घूम रहा है अभी। सो अभी जाएंगे अभी हम, और अभी देखते हैं कि क्या क्या चांस होता है हमारा घर जाने का, या फिर अभी देखते हैं। मुक्का मारने वाला देखो। अब जाना है भैया इस तरफ, तो बस अब चलते हैं सीधा नीचे और देखेंगे क्या खाना पीना होता है, और आज का प्लान हो सकता है कि हम घर जाएं। और यहाँ की सीढ़ियाँ देखना भैया, ढलान ही ढलान, तो जरा देख के चलना है। और अपने पैर ना स्वेल हो चुके हैं अच्छे से, मेरे भी और इसके भी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरे नहीं हुए, मेरे भी नहीं हुए वैसे, पर तुमने कहा था अभी बोलने के लिए, कहाँ गया? सो भाई आज का ब्लॉग इतना रखते हैं। सो भाई यहीं से हमने शुरुआत करी थी, तो बस अब चलते हैं।